डर स्टूडेंट्स टुडेज टॉपिक इज स्ट्रेट एन एक्सप्लेन पॉलेगन लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन पॉलेगन इससे पहले हमने ट्राइंगल लॉ और पैरोलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन किया नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन पॉलीगन लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन फर्स्ट अगर हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर डी दीज आर नंबर ऑफ वेक्टर्स विच आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस और इन वेक्टर्स इफ दीज नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर इन वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट साइड ऑफ ए पॉलीगन. वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेंगे ओ पी साइड ऑफ द पॉलीगन. वेक्टर बी को करेंगे रिप्रेजेंट पी क्यू साइड ऑफ द पॉलीगन. मगर सेम ऑर्डर में ओ से पी फिर पी से क्यू टेल हेड टेल हेड ऐसे चलना ऑर्डर में ओ ये हो गया क्यों फिर वेक्टर सी को लाना है दिस इज वेक्टर सी वेक्टर सी को रिप्रेजेंट किया क्यों एस फिर चौथे वेक्टर को किया वेक्टर डी अब मैं आपको बताता हूं स्टेटमेंट इफ नंबर ऑफ़ क्टर्स इफ नंबर ऑफ वैक्टर्स आर रिप्रजेंटिंग बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन बाई द डिफरेंट साइड ऑफ ए पॉलेगन इन वैक्टर्स को हमने मैग्नीट्यूड से भी और डायरेक्शन से भी डिफरेंट साइडस पॉलेगन के बना दिए तो देन दियर रिजल्टेंट इनका रिजल्ट वैक्टर ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर डी का रिजल्ट बोथ इन मैग्निट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन बाई द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलेगन इन चार वैक्टर्स का रिजल्टेंट कौन होगा इट विल बी द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलिगन वो साइड जो इस पॉलेगन को क्लोज करेगा इट विल बी द रिजल्ट वैक्टर बट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर ये वैक्टर रिजल्टेंट वैक्टर है इन चारों का लेकिन अपोजिट ऑर्डर में सेम ऑर्डर में नहीं अपोजिट दिस इज द पॉलिगन लॉ ऑफ वैक्टर पॉलिगन लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन स्टेट इज डैट इफ नंबर ऑफ वैक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन बाई द डिफरेंट साइड ऑफ ए पॉलिगन दैन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलेगन बट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर ओ पी पी क्यू क्यू एस और एस टी यहां पर टी है अब इसी का प्रूफ देना है प्रूफ बिल्कुल आसान आप लोग देखते जाइए ज्वाइन कर दीजिए ओ क्यू ज्वाइन ओ क्यू एंड Apply ट्रैंगला एप्लाई ट्रैंगला टू द ट्रेंगल ओ पी क्यू टू द ट्रेंगल ओ पी क्यू इस ट्रैंगल में ट्रेंगलॉ लगा दीजिए ट्रेंगला आपको पता है ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यो वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू ओ क्यो वैक्टर इज इक्वल टू ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यो वैक्टर ये वैक्टर ये वैक्टर ये इनका रिजल्टेंट वैक्टर ओ क्यो वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर और बी वैक्टर हो गया ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आ गया ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर ये निकल गया ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर शाबाश ये हो गया स्टेप फर्स्ट नाउ स्टेप सेकंड। शाबाश, अब कर दीजिए ज्वाइन ओ एस ज्वाइन ओ एस ओ एस को ज्वाइन कर दीजिए ये एस है यहां एंड अप्लाई ट्राइंगल लॉ टू द क्यू एस ज्वाइन ओ एस एंड अप्लाई लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन इन ट्रायंगल शबाश किस को ओ क्यू एस ओ क्यू एस आप ऑर्डर देख लीजिए ओ से क्यू Q से एस और थर्ड वेक्टर ये रिजल्टेंट है इसका इसमें आएगा ओ एस वैक्टर ओ एस वैक्टर ये दो वेक्टर्स ऑर्डर में है ओ क्यू प्लस क्यू एस ओ एस वैक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर प्लस क्यू एस वैक्टर डायग्राम में देख सकते हो ओ से क्यों क्यू से एस अच्छा ओ एस वैक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू ओ क्यू अभी निकाला हुआ हमने कितना है ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस क्यू से एस तक कितना है सी वैक्टर लगा दीजिए सी वैक्टर इसका मतलब ओ एस वैक्टर ओ एस वैक्टर निकल गया ए वैक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर याद रखिए कितना आया ओ वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर नाउ स्टेप थर्ड अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल एस टी अब पहले इस ट्रैंगल में फिर इस ट्रैंगल में अब इस ट्रैंगल में लगाना है वेक्टर एडिशन ओ एस टी इन ट्रैंगल ओ एस टी लगा दीजिए इसमें ओ टी वैक्टर इज इक्वल टू ओ एस वैक्टर प्लस एस टी वैक्टर ओ टी वैक्टर इज इक्वल टू ओ एस प्लस एस टी ओ एस वैक्टर प्लस एस टी वैक्टर शाबाश ओ टी वैक्टर कितना है आर वैक्टर इज इक्वल टू ओ एस अभी निकाला हुआ है ओ एस का वैल्यू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर प्लस एस टी डी वैक्टर इसको बोलते हैं दिस रिजल्टेंट वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू इन पॉलेगन लॉ वेक्टर एडिशन सम ऑफ द गिवन वेक्टर्स. रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द गिवन वेक्टर्स. इसी को बोलते हैं पॉलेगन लॉ थैंक यू